2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले पुरजोर तैयारी में जुटा है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देने के लिए आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक शरद पवार के आवास पर होगी। माना जा रहा है इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2 अक्टूबर से विधिवत जनसभाओं का दौर शुरू होगा, जिसकी तैयारी के लिए कल की मीटिंग होगी। सब लोग अपने अपने संगठन के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। गौरतलब है इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी सहित कई कमेटी का गठन हुआ। कोऑर्डिनेशन कमेटी में इंडिया गठबंधन घटक दलों के 14 सदस्य शामिल हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है, वहीं बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक पर तंज कसती नजर आ रही है। इस देश की संस्कृति को समाप्त करने का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होने वाला है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कितनी बात बनेगी ये तो बैठक के बाद साफ होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है।